जो केमिस्ट्री हमें स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं अभिनेताओं के बीच, वो असल जिंदगी में एकदम अलग होती है। कभी कभी शूटिंग के दौरान उनका खुद पर काबू नहीं रहता और डायरेक्टर के कट बोलने के बावजूद वे नहीं रुकते। ऐसे ही कुछ इंटीमेट सीन्स है जो कट के बाद भी नहीं रुके। फिल्म प्रेम धर्म की शूटिंग के दौरान एक सीन में विनोद खन्ना ने डिंपल कपाड़िया को किस करना था। सूत्रों के मुताबिक यह सीन करते समय विनोद खन्ना अपना काबू खो बैठे थे और डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी वह नहीं रुके। उनकी इस हरकत से सब हैरान हो गए थे और फिर महेश भट्ट को बाद में इस सीन के लिए एक्ट्रेस से माफी मांगनी पड़ी। खबरों के मुताबिक इस फिल्म में भी एक सीन था जिसमें विनोद खन्ना ने माधुरी को किस करना था और इस बार फिर से विनोद खुद पर काबू नहीं कर पाए और माधुरी के होंठ को काट लिया। शूटिंग के दौरान एक सीन में प्रेमनाथ को फरियाल के साथ जबरदस्ती करनी थी, लेकिन सीन करते करते वे खुद पर से काबू खो बैठे और सच में एक ट्रेस की सतह जबरदस्ती करने लगे। फरियाल बहुत दुखी हो गई और डर गई। इस सबसे वे जैसे तैसे करके खुद को छुड़ा कर वहाँ से भाग गई। फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा में एक रुपए का सीन शूट होना था। यह सीन रंजीत और माधुरी के बीच में होना था और यह सीन करते करते रंजीत अपने पर से काबू खो बैठे और सच में माधुरी से जबरदस्ती करने लगे। इस घटने से एक ट्रेस बहुत डर गई और रंजीत से साफ कह दिया कि वो उन्हें हाथ न लगाएं। इस फिल्म में एक सीन में दोनों ने एक दूसरे से गले मिलकर किस करना था। यह सीन करते करते दोनों खुद पर से काबू खो बैठे और डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी नहीं रुके।